अब डॉग्स की किलिंग की वाली हदीस देखते हैं। देखिए ये हदीस है, बाज लोग आधी बात बताते हैं, लोगों को आधी बात बताते हैं, क्योंकि बताना है तो पूरी बात क्यों नहीं बताते हैं, आधी बात क्यों बताना है। अगर एक हदीस मिल सकती है तो उसके आगे की दूसरी हदीस क्यों नहीं मिल सकती है, जो दूसरी हदीस उस टॉपिक पे अवेलेबल है। जब कोई टॉपिक पे बात करे तो इंसाफ की बात क्या, ये नहीं कि कंप्लीट बात बताओ, कोई भी रिलीजन की बात हो भाई, कोई भी मजहब की बात है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जामिया तिर्मिजी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुत्ते के ताल्लुक से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस यहां पर है, अमरा बि कत्लिल किलाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कुत्तों के कत्ल करने का, इल्ला कल्बा सईदिन और कल्बा माशियतिन, सिवाय जो जो शिकारी कुत्ता है और जो लाइफ स्टॉक हो यानी जानवरों को संभालने के लिए जो कुत्ता होता है उसको, सिवाय उसके बाकी कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया। लेकिन ये बात अधूरी मैंने बताया, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन सही मुस्लिम की इस हदीस में देखिए। और इस हदीस के अंदर आगे जाकर आप देखोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ उसके आगे के हिस्से में, सेकंड जो देन अल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबेड देयर किलिंग, वो वाला हिस्सा पढ़िए जो आगे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उनके कत्ल से, وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان, तो तुम्हें चाहिए कि सिर्फ जो जेट ब्लैक कुत्ता है जिसके ऊपर दो डॉट्स होते हैं, एक रेयर टाइप का कुत्ता होता है, उसी को कत्ल करो, वो शैतान है। बाकी जनरल जो था एक टाइम के लिए था, फिर मना कर दिया। अब आपको ये समझना है कि एक सिचुएशन होती है जिसके लिए कहा गया, और अगर और डिटेल चाहिए तो ये चीज देखिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हराम के मुहर्रम जो होता है, जो एहराम की हालत में, जो आपको पता है हज करने जाते हैं, उमरा करने जाते हैं, तो मुस्लिम से एहराम पहनते हैं, उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई क्रीचर को मारने की इजाजत नहीं होती, कुर्बानी करना चाहे, मतलब कुर्बानी जो होती है वो अलाउड है, लेकिन कोई जानवर को कत्ल करना अलाउड नहीं होता है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके अंदर भी चार किस्म के क्रीचर्स को मारना अलाउड है, और जिसके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, उसमें से आखिरी पड़ी है वल्कल्बुल अकूर, जो रेबिट कुत्ता होता है, जो रेबीज वाला कुत्ता होता है, जो हार्मफुल कुत्ता होता है, उसके ताल्लुक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको कत्ल करो, उसके ताल्लुक से कहा। तो अब ये रेबिट कुत्ते को मारने के बारे में कहा गया है, और आपको पता है कि कोई अगर कहे इससे कि भाई जनरली सारे कुत्तों को मारने कहा गया, तुम आधी बात मत बताओ, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में वो टाइम के कुछ कुत्तों को मारने कहा गया था, यस था वो, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से हम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके अंदर क्या विजडम थी, वो कुत्तों में क्या प्रॉब्लम था। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे जाकर ये जो खास किया गया कि ये टाइप के कुत्तों को मारना है, तो वो कुत्ते के अंदर, कुत्तों के अंदर कुछ तो ऐसी बात रही होगी, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वजह थी, क्या नुकसान था। लेकिन ये सिर्फ वहां की बात नहीं है, आपको मैं यहाँ की मिसालें दूंगा, आज की दुनिया की मिसालें दूंगा। अब एक जनरल बात पहले समझ लेते हैं कि कोई कुत्ता अगर जनरल है, नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, अरे भाई उसे पानी जब पिलाने कहा गया तो सिया सबका कत्ल करने कहा जाएगा, जरा सोचो तो सही। जब उसकी खिदमत करने में अजर बताया गया, सवाब बताया गया कि कोई जिंदा क्रीचर है, उसको प्यासा है, उसको पानी दो, अगर खाना चाहिए खाना दो, तो ये चीज के ना जब सिखाया गया तो क्या उस सबका कत्ल कर देना सिखाया जाएगा, आपको सोचना चाहिए इस बात। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जो हमारी कंट्री के अंदर जो कुत्तों के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसका क्या रिजल्ट है? रिजल्ट आप इस चीज से देखो, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट इन्होंने एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया, क्या आपको पता है हर साल इंडिया में कितने कुत्ते डॉग बाइट्स होते हैं, कितने? 1.7 करोड़ डॉग बाइट्स एक साल में, हर साल एवरेज 1.7 करोड़, यानी 1,70,00,000 लोगों को कुत्ते बाइट करते हैं हर साल इंडिया के अंदर। और आप देखोगे कि ये इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसके अंदर आया है कि दुनिया में जितने लोग रेबीज से मरते हैं उसमें से 36% 36,000 इंडिया में मरते हैं, 36% इंडिया में मरते हैं, और कितने, तकरीबन 55,000 जो टोटल मरते हैं, उसमें से 18,000 से 20,000 इंडिया से मरते हैं रेबीज के। यानी कि आपको नहीं लगता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया का कितना परसेंटेज है, लेकिन हमारा शेयर जो है रेबीज के अंदर बहुत बड़ा है, क्यों है ऐसा, जरा सोचना चाहिए हम लोगों को। और अक्सर जो होते हैं जो छोटे बच्चे, और आप केसेस देखोगे ये रेबीज के केसेस, ये तो है, आप अभी आपको असॉल्ट के कैसे केसेस मिलेंगे कि पूरे पूरे छोटा बच्चा है, बच्चे को आके पैक ऑफ डॉग्स ने अटैक किया, उसका कत्ल कर दिया, मतलब वो बच्चा मारा गया उसके अंदर, ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। रेबीज तो क्या है, बाइट करके चला गया और उसको रेबीज हो गया, ये एक बात है, लेकिन जान ले लिया, ऐसे भी केसेस आपको मिल रहे हैं जो हम देख रहे हैं ये डॉग्स की प्रॉब्लम की वजह से, जो हमें समझना चाहिए। और इसके अंदर एक्चुअली अगर आप देखें, ये वो रिपोर्ट है जिसके अंदर दिया गया है कि अगर रेबीज हो जाए,
तो फिर उसके अंदर क्या होता है, उसका मोर्टैलिटी रेट क्या है, ये इसका मोर्टैलिटी रेट ये इस तरह से होता है कि ऑलमोस्ट यानी कि कंफर्म डेथ 100% फेटल दिया है, रेबीज इज वर्चुअली 100% फेटल, यानी कि हो गया तो फिर मौत कंफर्म हो जाती है, लेकिन रेबीज ना हो उसकी कोशिश होती है। तो ये इतना सीरियस मामला है। और ये देखिए केरला की ये रिपोर्ट कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब एक बच्चे को कुत्ते ने मार दिया, एरिया के 11 साल का बच्चा था, तो पैक ऑफ डॉग्स ने आकर के उसको मार दिया, जब उसका कत्ल कर दिया बच्चों का, बच्चे का कुत्तों ने, तो फिर वो एरिया के लोगों को समझ में आया, केरला की लोकल बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट को में पिटीशन फाइल की कि ये जो रेबिड डॉग्स होते हैं इनको यूथनाइज किया जाए, यानी इनको मारा जाए। और आप वेस्टर्न कंट्रीज का फिगर्स देखो, आपको अमेरिका में हर साल का फिगर मिलेंगे कि कई लाख कुत्तों को यूथनाइज किया जाता है, मारा जाता है, जब इस तरह की जो इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स की बात होती है। तो हम देखते हैं कि ये हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सब कुछ हर जगह, बिकॉज बास चीजें जो होती है वो लोग रॉन्ग सोल्यूशन भी करते हैं, हम उसके अंदर साथ में नहीं है, लेकिन रेबिट जो डॉग्स होते हैं ये प्रॉब्लम सीरियस होता है। और ऐसे डॉग्स जो स्प्रेड कर रहे हैं वो चीज, उसको मारना इंसानों के लिए बेहतर है, रहमत है। इतने सारे लोग जब सफर हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए ये चीज। चाइना की मिसाल देखिए, चाइना ने रेबीज कैंपेन, एंटी रेबीज कैंपेन में 5,000 डॉग्स को किल किया, सिर्फ एक सिटी के अंदर 5,000 डॉग्स को किल किया। क्या हुआ था, 5 डेथ हुई थी, 5 इंसानों की मौत हुई। उसके बाद में 5,000 डॉग्स को एक सिटी को, जो रेबिड डॉग्स थे रेबीज को कंटेन करने के लिए, तो उनको कत्ल किया गया। तो हम देखते हैं कि ये एक मिसाल है हमारे सामने, एक मिसाल है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब चीज हर जगह सही है, लेकिन ये भी एक चीज है हमारे, हम सबके सामने। अब आइए फिर हम देखते हैं कि इस्लाम ने जब ये बात बताई कि रेबिड जो कुत्ते हैं उनको किल करना है, रेबिड कुत्तों को किल करना है, तो क्या गलत कहा भाई? इंसानों को तो बाद में जाके रिसर्च के जरिए पता चल रहा है, स्टडी के जरिए पता चल रहा है कि रेबिड रेबीज कितनी खतरनाक डिजीज है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अंदर फर्टिलिटी रेट क्या है, ये सारी बातें बाद में हम लोगों को पता चल रही है। उसी तरह जब इस्लाम ने कहा कि कुत्ते का को घर में मत रखो, वो हो रहेगा, लिक करेगा जगह जगह पर, जगह जगह पर लिक करेगा, और बास कुत्ते जो होते हैं उसके अंदर से उनकी जो सलाइवा जो राल होती है वो टपकती रहती है, हाँ टपकती रहती है, तो वो चीज पूरे घर में स्प्रेड होगी। तो वो मना जब किया गया और हम लोगों को बताया गया कि तुम्हें मना है, तुम्हारे लिए तुम्हारे गुना तुम्हारी नीकियां एक पहाड़ के बराबर डेली कम होगी। हाँ ये बात है कि हर किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो होगा जिनको, उनके लिए तकलीफ है, एक अवॉइडेबल प्रॉब्लम है जिससे वो बच सकते थे। और ये तो हमें इतना पता चला है, और कितना कुछ है वो पता नहीं चला है, जो ग्रेजुअली पता चलेगा। ये सब रिसेंट रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं ये आने वाले पिछले 4-5 सालों में लोगों को पता चला है। ऐसे केसेस सामने आए जो पिन पॉइंट किया जा सका कि ये केस के अंदर ये कुत्ते की वजह से हुआ, तो जाके हम इतना लंबा डिस्कशन भी आज कर रहे हैं। नहीं तो हम ये कहते हैं कि ट्रस्ट योर क्रिएटर, अपने क्रिएटर पे ट्रस्ट रखो, देखो निशानियां, देखो कुरान वर्ड ऑफ गॉड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मैसेंजर है, ट्रस्ट करो, हम इतना ही बोलकर इस बात को खत्म कर देते थे। लेकिन आज हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स है, ये भी शुरुआत है मेरा मानना, आगे और भी कई सारी चीजें हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर आया है किस तरह से जो कुत्ते के अंदर जो लुआब में जो बैक्टीरियल बैक्टीरिया होते हैं, ऐसी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आया है कि जब उसे मिट्टी के जरिए वॉश किया जाता है तो वो पूरी तरह से क्लेंज होती है, और एक ऐसी चीज है जिसको क्लेंज करने के लिए ज्यादा इंटेंस वॉशिंग रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है, हम ये देख रहे हैं, ये हम सबके सामने है। अब मैं आपके ऊपर डिसीशन छोड़ता हूँ कि जो चीज को एतराज के तौर पर पेश किया गया, मुझे तो ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज है जो फिर से जिस मजहब को आप बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो मजहब के हक्कानियत और सच्चाई के प्रूफ में से, ये भी एक प्रूफ है, ये भी एक प्रूफ है, हाँ जो कोई भी इंसान देख सकता है, समझ सकता है।